रोबोट को इंसान ने यह सोचकर डिजाइन किया था कि वो उसके इंस्ट्रक्शंस, उसके कमांड्स को फॉलो करेगा, उसकी जिंदगी को आसान बनाएगा, वही रोबोट अब उसके भविष्य को खतरे में डाल रहा है। दरअसल विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रोबोट से भारत में 69% और चीन में 77% नौकरियों को खतरा है। दुनिया बदल रही है, हम और आप एक मशीन की तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन आपकी इस दौड़ पर लग सकता है फुल स्टॉप, क्योंकि रोबोट्स ने आपकी जगह लेने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, अब इंसानों की जगह हर तरफ सिर्फ रोबोट ही रोबोट नजर आएंगे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में जल्द ही रोजगार का बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। वर्ल्ड बैंक की रिसर्च के मुताबिक मशीनों के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल की वजह से भारत में 69% नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि चीन में करीब 77% नौकरियों पर भी खतरा है। इस संकट की वजह ये है कि हम ऑटोमेशन को अपना रहे हैं। ऑटोमेशन मतलब इंसानों की जगह मशीन का इस्तेमाल। वो छोटे छोटे काम जो इंसान के जिम्मे होते हैं, अब उन्हें ऑटोमेटिक यानी कि मशीन के हवाले किया जा रहा है। इसने आपकी मुश्किल तो आसान की, लेकिन आपकी नौकरी को मुश्किल में डाल दिया। हम ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ऐसे में हमें सोचना होगा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी दुनिया को बुनियादी रूप से बदलती रही है। ऑटोमेशन के तहत कंपनियां प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या कारोबार से जुड़े अलग अलग कामों में ऑटोमेटिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ ह्यूमन एम्प्लॉयज की जगह तेज तकनीक से लैस रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में ऑटोमेशन तेजी से पैर पसार रहा है। खबरों के मुताबिक इससे सबसे ज्यादा खतरा BPO यानी कॉल सेंटर इंडस्ट्री पर है। यहाँ करीब 3.7 मिलियन लोगों की नौकरी संकट में है। एक US बेस्ड रिसर्च फर्म के मुताबिक IT सर्विस इंडस्ट्री में करीब 6,04,000 लोगों की जगह रोबोट्स ले सकते हैं। भारत की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों ने इस साल बेहद कम लोगों को नौकरी पर रखा। पिछले 2 दशकों में ये पहली बार हुआ है। कंपनियों का कहना है कि नई तकनीक का इस्तेमाल और ऑटोमेशन उनका काम आसान बना रहा है। अगले 5 सालों में कम कुशलता वाले यानी लो स्किल जॉब्स की डिमांड करीब 30% तक कम हो जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहीं पर सबसे तेजी से रोबोट्स इंसानों को रिप्लेस कर रहे हैं। वहीं मीडियम स्किल वाली नौकरियों में 8% का इजाफा होगा, जबकि हाई स्किल वाली वैकेंसीज करीब 56% तक बढ़ जाएंगी। वहीं चीन में रोबोट बेहद तेजी से इंसानी विकल्प बन रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में चीन में फैक्ट्रियां कर्मचारियों को निकालकर रोबोट से काम करवा रही हैं। इसे दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में रोबोटिक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स ने इस साल की शुरुआत में कहा था, चीन फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रोबोट बाजार है। चीन अपने उपयोग के लिए भी रोबोट का निर्माण करता है। 2017 तक चीन यूरोप और उत्तरी अमेरिका को रोबोट निर्माण में पीछे छोड़ देगा। 2049 तक चीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जर्मनी, अमेरिका और जापान से आगे निकलना चाहता है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए चीन में कारोबारियों पर जबरदस्त दबाव है। उनसे रोबोट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने को कहा गया है। जानकार इसके पीछे उम्रदराज लोग और बढ़ते मिडिल क्लास की वजह से तनख्वाह में बढ़ोतरी को मानते हैं। मशीन का इस्तेमाल लागत कम और मुनाफा ज्यादा करता है। यही वजह है कि ऑटोमेशन इंडस्ट्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो जरा संभल कर रहिएगा, क्योंकि आपकी नौकरी पर अब रोबोट की नजर है। भारत में फिलहाल ऑटोमेशन किस स्टेज पर है वो आपको बताते हैं, और सबसे ज्यादा जो खतरा है वो है BPO यानी कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री को, और लगातार जो रोबोट्स है कैसे आपकी नौकरियां खा सकते हैं भारत में,
ऑटोमेशन से बीपीओ सेक्टर को खतरा, 37 लाख नौकरियों पर संकट इसके तहत बना हुआ है। साथ ही आईटी सर्विस सेक्टर में खासतौर पर 6,04,000 नौकरियां मुश्किल में पड़ सकती है अगर रोबोट आपका काम करने लग गए तो। वहीं आईटी सर्विस सेक्टर में 6,04,000 नौकरियां मुश्किल में, जैसा कि हमने पहले बताया आपको, तो कैसे जो रोबोट है आने वाले टाइम में आपकी नौकरियां करते हुए नजर आएंगे। और सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर में ही ऑटोमेशन बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रोबोट्स टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट का इस्तेमाल भी रेमंड करने जा रही है और रोबोट 10,000 लोगों की नौकरी भी छीन लेगा। 5 साल में 30% कम लो स्किल नौकरियों की डिमांड होगी और यही वजह है कि तभी हम कह रहे हैं कि रोबोट से बच के रहना। लेकिन आखिरकार आने वाले टाइम में और सूरत हाल क्या होगा? दरअसल मीडियम स्किल वाली जो नौकरियां उसमें 8% का इजाफा होगा, ये इसका एक इम्पैक्ट देखा जा सकता है। हाई स्किल वाली नौकरियां करीब 56% तक बढ़ जाएंगी। यहां नौकरियां बढ़ सकती है लो स्किल में कम, जबकि मीडियम हाई स्किल में ज्यादा। बिग डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग है, उसके मौके और भी ज्यादा बढ़ेंगे। और साथ ही जो मोबिलिटी है, डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी नौकरियां बढ़ेंगी। ये कुछ सेक्टर्स है जहां पर नौकरी डेफिनेटली आपको मिल सकती है।